नमस्कार, आज हम चर्चा करेंगे एनसीईआरटी कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक रसायन विज्ञान की पाठ संख्या 3 विद्युत रसायन के बारे में। इसके पूर्ववर्ती भागों में हम अध्ययन कर चुके हैं कि विद्युत अपघटी सेल तथा गैल्वेनिक सेल की कार्यप्रणाली किस प्रकार होती है, इलेक्ट्रोड व्यूह का मापन किस प्रकार किया जाता है तथा इलेक्ट्रोड व्यूह की सहायता से हम किसी सेल का विद्युत वाहक बल किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। दूसरे भाग में हमने चर्चा की थी चालकता, चालकत्व, मोलर चालकता के बारे में तथा कोलराउश के नियम की सहायता से हमने दुर्बल विद्युत अपघट्य का अनंत तनुता पर मोलर चालकता किस प्रकार ज्ञात की जा सकती है तथा अल्प विलेय लवणों की विलेयता कैसे ज्ञात होती है। आज के भाग में हम चर्चा करेंगे फैराडे के विद्युत अपघटनी नियमों के बारे में तथा विभिन्न रसायनों का विद्युत अपघटन होने पर किस प्रकार के उत्पाद में किन इलेक्ट्रॉनों पर प्राप्त होते हैं उनके बारे में। विद्युत अपघटन के मात्रात्मक पक्ष, जिन्हें हम फैराडे के नियम के नाम से भी जानते हैं। मात्रात्मक पक्ष का मतलब होता है कि अगर हम किसी पदार्थ का विद्युत अपघटन प्रारंभ करते हैं तो हमें कौन से इलेक्ट्रोड पर कितनी मात्रा में पदार्थ प्राप्त होते हैं, यानी कि हमें उनकी मात्रा जाननी है। वह मात्रा द्रव्यमान के रूप में भी हो सकती है या वह मात्रा आयतन के रूप में भी हो सकती है। फैराडे के विद्युत अपघटन से संबंधित दो नियम दिए गए हैं, जिन्हें हम फैराडे के प्रथम नियम तथा द्वितीय नियम के नाम से जानते हैं। सर्वप्रथम हम फैराडे के प्रथम नियम के बारे में चर्चा करते हैं। इस नियम के अनुसार किसी भी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाले या मुक्त होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान विद्युत की मात्रा यानी कि आवेश के समानुपाती होता है। निक्षेपित या मुक्त का अर्थ क्या होता है? निक्षेपित होना मतलब इलेक्ट्रोड पर जाकर के जम जाना। मुक्त होने का अर्थ होता है कि इलेक्ट्रोड पर कोई गैस बनी है। इस नियम के अनुसार W समानुपाती होगा Q के। इस समीकरण का जब समानुपाती का निशान हटाते हैं तो हमें एक स्थिरांक प्राप्त होता है जिसे Z कहते हैं। Z विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है। फैराडे के प्रथम नियम का समीकरण हमें क्या प्राप्त हुआ? W = ZIT। Z विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, I प्रवाहित होने वाली धारा है तथा T समय है कि कितने समय तक हमने उस विद्युत अपघटनी विलयन में धारा का प्रवाह किया है। फैराडे का द्वितीय नियम। प्रथम नियम तथा द्वितीय नियम में अंतर करने के लिए हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि यदि हमारे पास एक ही विद्युत अपघट्य का विलयन दिया गया हो तो हमें वहाँ पर फैराडे का प्रथम नियम लगाना है। यदि एक से अधिक विद्युत अपघट्य का विलयन हमारे पास है तो हमें वहाँ पर फैराडे का द्वितीय नियम लगाना है। इस नियम के अनुसार क्या होता है? यदि हमारे पास में एक से अधिक विद्युत अपघट्य उपस्थित हों तो उनको हम विद्युत धारा के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ने का लाभ यह होता है कि सभी विद्युत अपघट्य विलयनों में समान मात्रा की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस नियम के अनुसार विभिन्न विद्युत अपघट्य विलयनों में विद्युत की समान मात्रा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित या मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा उनके रासायनिक तुल्यांक की द्रव्यमान के समानुपाती होते हैं। सामान्यतः रासायनिक तुल्यांक की द्रव्यमान को हम तुल्यांक की भार भी कह सकते हैं। अतः इस नियम के अनुसार W किसके समानुपाती आ गया है? रासायनिक तुल्यांक की द्रव्यमान। इस समीकरण को अगर हम और सॉल्व करते हैं तो हमें क्या समीकरण प्राप्त होती है? W1 भाग W2 किसके बराबर होगा? E1 भाग E2 के। यदि तीन विलयन हैं तो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं कि W1 भाग W3 किसके बराबर होगा? E1 भाग E3 के। यदि कितने भी विलयन हमारे पास हो, एक से अधिक हो, तो हमें फैराडे का द्वितीय नियम लगाना होता है। एक विलयन है तो हमें फैराडे का प्रथम नियम लगाना होता है। आइए अब हम देखते हैं कि एक मोल इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना होता है। हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा कितनी होती है? 1.6022 × 10⁻¹⁹ कूलाम। एक मोल किसके बराबर होता है, जिसे हम लोग अवोगाड्रो संख्या के नाम से भी जानते हैं, वो कितना मान होता है उसका? 6.022 × 10⁻²³।
अब हम आसानी से 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर आवेश की गणना कर सकते हैं। किस प्रकार से? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश को हम लोग गुणा कर देंगे किससे? इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। इसका मान हमें लगभग प्राप्त होता है 96,500 गुलाम, जिसे हम 1 फैराडे कहते हैं। इसका अर्थ हुआ कि 1 फैराडे किसके बराबर होगा? 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर आवेश के बराबर होता है, जिसका मान हमें कितना होता है प्राप्त? 96,500 गुलाम प्राप्त होता है। अतः 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा को फैराडे स्थिरांक कहा जाता है। जब भी किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में से 1 फैराडे आवेश को प्रवाहित किया जाता है, आइए अब हम कुछ उदाहरणों की सहायता से फैराडे के प्रथम तथा द्वितीय नियम को समझते हैं। न्यूमेरिकल्स में इसे हम किस प्रकार से प्रयोग में ला सकते हैं? माना कि हमारे सामने एक समस्या है। समस्या क्या है? यदि किसी धातु के तार में 0.5 एम्पियर की धारा को 2 घंटे तक प्रवाहित होती है, तो तार में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे? इसका अर्थ ये हुआ कि हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है जो 2 घंटे में उस तार से निकल जाते हैं। कितनी धारा प्रवाहित करने पर? 0.5 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर। धारा का मान है हमारे पास में 0.5 एम्पियर, समय 2 घंटे है, जिसे हम सेकंड में बदल लेंगे, 7200 सेकंड हमारे पास आ गया है। हमारे पास फार्मूला है Q=IT। इस फार्मूले की सहायता से हम लोग आवेश की गणना कर लेंगे। कुल आवेश हमारे पास कितना आ गया? 3600 कूलम। हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। 1 इलेक्ट्रॉन पर जब हमें आवेश पता है, तो उसकी सहायता से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या है। क्या करेंगे? कुल आवेश में हम लोग भाग दे देंगे किसका? 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश का। इससे हमें संख्या प्राप्त होती है 2.25 × 10^22 इलेक्ट्रॉन। अब हमारे सामने एक नई न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल क्या है हमारे सामने? एक ही रासायनिक अभिक्रिया लिख दी गई है। रासायनिक अभिक्रिया लिखने के बाद में पूछा जा रहा है कि 1 मोल डाइक्रोमेट आयन को अपचयित करने के लिए कितनी विद्युत की मात्रा की आवश्यकता होगी। तो इसे जानने के लिए हमें सर्वप्रथम क्या करना है? हमें संतुलित रासायनिक समीकरण लिखनी होती है, यदि समस्या में संतुलित रासायनिक समीकरण न दी गई हो तो। अब यहाँ चेक करते हैं, हमारे पास में हमें पहले से ही एक संतुलित रासायनिक समीकरण दे दी गई है। इस रासायनिक समीकरण को देखने पर हमें पता चलता है कि यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन काम में आ रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ काम आ रहे हैं। इसलिए 1 मोल डाइक्रोमेट आयन को अपचयित करने के लिए हमें कितनी विद्युत की मात्रा चाहिए? 6 फैराडे, क्योंकि संतुलित अभिक्रिया में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए विद्युत की मात्रा कितनी होगी? 6 फैराडे। इस 6 फैराडे को हम कूलाम में बदलते हैं तो हमारे पास उत्तर आएगा 579,000 कूलाम। अब हमारे सामने नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। 1 मोल पर मैग्नेट को Mn2+ में अपचयित करने के लिए विद्युत की आवश्यक मात्रा की गणना कीजिए। अब इस सवाल में हमारे सामने संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। पहला हमारा कार्य क्या है कि हम इस होने वाले परिवर्तन के लिए एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। संतुलित रासायनिक समीकरण को लिखने पर हम ये पाते हैं कि इस अभिक्रिया में हमें 5 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। इस परिवर्तन के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अतः आवश्यक आवेश कितना हो गया हमारे पास में? 5 फैराडे। इस 5 फैराडे को अगर हम चाहें तो कूलाम में बदलते हैं। कूलाम में बदलने पर हमारे पास आंसर कितना आता है? 482,500 कूलाम। इस समस्या में क्या दिया हुआ है कि गलित कैल्शियम क्लोराइड। गलित कैल्शियम क्लोराइड का मतलब होता है पिघला हुआ या द्रवित। 20 ग्राम कैल्शियम प्राप्त करना है हमें। गलित कैल्शियम क्लोराइड से 20 ग्राम कैल्शियम प्राप्त करना है, उसके लिए विद्युत की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? फिर से हमें एक संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं मिला है, तो हमारा प्रथम कार्य है हम एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम आयन तथा क्लोराइड आयन देता है, परंतु ये सवाल सिर्फ कैल्शियम के बारे में जानना चाहता है, तो हम लोग
कैल्शियम की संतुलित अभिक्रिया फिर से लिखेंगे। कैल्शियम आयन दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कैल्शियम में अपचयित हो जाता है। इसके अनुसार हमें आवश्यक आवेश की मात्रा कितनी है? 2 फैराडे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ काम आ रहे हैं और 1 मोल कैल्शियम बन रहा है। 1 मोल कैल्शियम का द्रव्यमान हम जानते हैं कि उसके परमाणु भार के बराबर होता है, जो कि 40 होता है। अतः 40 ग्राम कैल्शियम प्राप्त करने के लिए हमें कितना आवेश चाहिए? 2 फैराडे आवेश की आवश्यकता होती है। इसे जब हम बदलते हैं 20 ग्राम के लिए, क्योंकि सवाल में हमारे पास मात्रा दी गई है कि 20 ग्राम कैल्शियम प्राप्त करना है, तो 20 ग्राम कैल्शियम के लिए हमारे पास में आवश्यक आवेश कितना आएगा? 1 फैराडे, या कूलम में कितना होगा? 96,500 कूलम। हमारे सामने अगली समस्या है कि 1 मोल H2O को ऑक्सीजन में ऑक्सीकृत करने के लिए कितनी विद्युत की मात्रा की आवश्यकता होती है। इसके लिए भी हम एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखेंगे। इस संतुलित रासायनिक समीकरण में हम देखते हैं कि 1 मोल H2O से हमें 0.5 मोल ऑक्सीजन प्राप्त होती है, यानी कि इस पूरी प्रक्रिया में हमें कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है? 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो यह आवश्यक आवेश हमारे पास कितना आ गया है? 2 फैराडे। 2 फैराडे का अर्थ हमारे पास में क्या हो गया है? 1,93,000 कूलम। अभी तक हमने चर्चा करी कि फैराडे के हमारे पास 2 नियम होते हैं, जिन्हें हम लोग फैराडे के प्रथम नियम तथा द्वितीय नियम के रूप में जानते हैं। फैराडे का प्रथम नियम हम कब काम में लेते हैं? जब हमारे पास में एक विद्युत अपघट्य होता है। तो यदि हमारे पास में एक से अधिक विद्युत अपघट्य उपस्थित होते हैं, तो उस समय हम लोग फैराडे का द्वितीय नियम काम में लेते हैं, क्योंकि उन सभी विद्युत अपघट्यों में समान आवेश की मात्रा को प्रवाहित किया जाता है। और ये कब संभव है? जब हम विद्युत अपघट्य विलयनों को श्रेणी क्रम में जोड़ें। फैराडे के प्रथम नियम तथा द्वितीय नियम की सहायता से हम लोग आसानी से यह ज्ञात कर पाते हैं कि किस इलेक्ट्रोड पर कितनी ग्राम में पदार्थ का निक्षेपण होगा तथा कितनी मात्रा में इलेक्ट्रोड पर गैस बनती है। विद्युत अपघटन के उत्पाद। किसी भी रासायनिक पदार्थ, जिसे हम लोग सामान्यतः विद्युत अपघट्य कहते हैं, यदि उसमें से धारा प्रवाहित की जाती है, तो धाराएं हमारे पास में 2 प्रकार की होती हैं, जिन्हें हम लोग दिष्ट धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। यदि विलयन में से प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोडों पर सामान्यतः किसी भी पदार्थ का निक्षेपण नहीं होता है। यह कब संभव है? जब हम सिर्फ दिष्ट धारा प्रवाहित करें। तो विद्युत अपघटन क्या होता है? विद्युत अपघटन वह प्रक्रिया है जिसमें विद्युत धारा के द्वारा किसी रासायनिक पदार्थ की रासायनिक संरचना को परिवर्तित कर दिया जाता है, उसे विद्युत अपघटन कहा जाता है। और कौन सी धारा हम लोग यहाँ काम में लेंगे? दिष्ट धारा। विद्युत अपघटन में जो हमें उत्पाद प्राप्त होते हैं, वो कहाँ प्राप्त होंगे? इलेक्ट्रोडों पर प्राप्त होते हैं। इलेक्ट्रोड, जैसा कि हम जानते हैं, 2 प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं, जिन्हें एनोड तथा कैथोड कहते हैं। एनोड तथा कैथोड दोनों पर ही भिन्न भिन्न प्रकार के उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं। प्राप्त होने वाले उत्पाद किस पर निर्भर करते हैं? विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर और इस्तेमाल किए गए इलेक्ट्रोड के प्रकार पर, क्योंकि इलेक्ट्रोड भी 2 प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम निष्क्रिय इलेक्ट्रोड तथा सक्रिय इलेक्ट्रोड कहते हैं। सक्रिय इलेक्ट्रोड रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, तथा निष्क्रिय इलेक्ट्रोड जैसे गोल्ड, प्लेटिनम, ग्रेफाइट, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। दोनों ही स्थितियों में हमें इलेक्ट्रोडों पर भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ प्राप्त होते हैं। यह निर्भर करता है कि हम सक्रिय इलेक्ट्रोड काम में लें या निष्क्रिय इलेक्ट्रोड काम में लें, कि हमें कौन से उत्पाद की आवश्यकता है। जैसा कि हमने अभी बताया कि विद्युत अपघटन के उत्पाद सक्रिय और निष्क्रिय इलेक्ट्रोडों के लिए कैसे होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। विद्युत अपघटन के उत्पाद आयनों के मानक इलेक्ट्रोड विभव पर भी निर्भर करते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव का अर्थ है मानक अपचयन विभव, जिसकी चर्चा हम इस पाठ के पूर्ववर्ती भागों में कर चुके हैं। सामान्यतः कैथोड पर क्या होता है?
अपचयन होता है, इसलिए वहां पर कौन सी अभिक्रिया होगी? ई नॉट जिसके लिए कैसा हो, अधिक हो, वो वाली अभिक्रियाएं कैथोड पर होती हैं। जिनके लिए ई नॉट का मान, ई नॉट का मतलब क्या होता है? मानक अपचयन विभव। जिनका मान कम होता है, सामान्यतः ऐसी अभिक्रियाएं एनोड पर होती हैं। अतः कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी जिसके लिए ई नॉट का मान अधिक हो, तथा एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी जिसके लिए ई नॉट का मान कम होता है। आइए अब कुछ उदाहरणों की सहायता से हम लोग विद्युत अपघटन की प्रक्रिया को समझते हैं तथा देखते हैं कि इलेक्ट्रोडों पर किस प्रकार के पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं। सर्वप्रथम हम जल के विद्युत अपघटन को देखते हैं। जल के विद्युत अपघटन में देखते हैं कि H2O H+ तथा OH- के रूप में आयनित हो जाता है। एनोड के ऊपर हमें पता है कैसा आवेश होता है, धनावेशित एनोड होता है, इसलिए उसके पास OH आयन जाते हैं। OH आयन वहाँ पर ऑक्सीकृत हो जाएंगे। एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकृत होने पर वहाँ ऑक्सीजन का निर्माण होता है। इसी प्रकार कैथोड पर H+ आयन जा करके अपचयित हो जाएंगे तथा वह H2O का निर्माण कर देते हैं। इस पूरी अभिक्रिया में, पूरे सेल में क्या अभिक्रिया हुई, उसके लिए हमें एनोड और कैथोड दोनों की अभिक्रियाओं को जोड़ करके लिखना है। अभिक्रियाओं को जोड़ते समय हमें पूर्णतया ध्यान रखना है कि उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहे। जैसे एनोड की अभिक्रिया में हमारे पास में 4 इलेक्ट्रॉन है, जबकि कैथोड की अभिक्रिया में हमारे पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हम क्या करेंगे कि कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया को 2 से गुणा करके जोड़ देंगे। जब हम कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया को 2 से गुणा करके जोड़ते हैं तो हमें पूर्ण अभिक्रिया समीकरण प्राप्त होती है। उसके अनुसार क्या हो रहा है, H2O के विद्युत अपघटन से हाइड्रोजन गैस तथा ऑक्सीजन गैस प्राप्त हो रही है। हाइड्रोजन गैस कहाँ बन रही है, कैथोड पर, तथा ऑक्सीजन गैस कहाँ बन रही है, एनोड पर। गलित सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन, हम देखते हैं कि गलित सोडियम क्लोराइड किस प्रकार से विद्युत अपघटित होता है। गलित सोडियम क्लोराइड का अर्थ है सोडियम क्लोराइड द्रव्य अवस्था में उपस्थित है। सोडियम क्लोराइड में 2 प्रकार के आयन उपस्थित होते हैं, Na+ आयन तथा Cl- आयन। एनोड पर Cl- आयन का ऑक्सीकरण क्लोरीन गैस में हो जाता है तथा कैथोड पर Na+ आयनों का अपचयन सोडियम धातु में हो जाता है। इन दोनों को मिलाकर के हमें पूर्ण सेल अभिक्रिया लिखनी है। दोनों ही अभिक्रियाओं में हमारे पास 2-2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, अतः इन्हें किसी गुणांक से गुणा करने की आवश्यकता हमें नहीं है। पूर्ण सेल अभिक्रिया के अनुसार क्या हो रहा है, हमारे पास में सोडियम धातु प्राप्त हो रही है तथा क्लोरीन गैस की प्राप्ति हो रही है। क्लोरीन गैस एनोड पर बनती है तथा सोडियम धातु की प्राप्ति हमें कैथोड पर होती है। अब हम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन देखते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में 4 प्रकार के आयन उपस्थित होते हैं, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, H+ आयन तथा OH- आयन। एनोड पर हमारे पास में क्लोराइड आयन का ऑक्सीकरण होता है जिससे हमें क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। यहाँ पर OH- आयन का ऑक्सीकरण ओवर पोटेंशियल अर्थात अधिक विभव के कारण नहीं हो पाता है तथा क्लोराइड आयन का ऑक्सीकरण आसानी से हो जाता है, जबकि कैथोड पर H+ आयनों के अपचयन से हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। इस सेल में होने वाली पूर्ण अभिक्रिया को इस प्रकार से लिखा जाता है, सेल में हमें हाइड्रोजन गैस कैथोड पर तथा क्लोरीन गैस एनोड पर प्राप्त होती है। अभिक्रिया के अंत में Na+ आयन तथा OH- आयन शेष रह जाते हैं, जो परस्पर मिलकर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड नामक रसायन का निर्माण कर देते हैं। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में भी सामान्यतः 4 प्रकार के आयन उपस्थित होते हैं, कॉपर आयन, सल्फेट आयन, हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्साइड आयन। एनोड पर हाइड्रोक्साइड आयनों का ऑक्सीकरण होने से ऑक्सीजन गैस हमें प्राप्त होती है तथा कैथोड पर कॉपर आयनों के अपचयन से हमें कॉपर धातु प्राप्त होती है।
कैथोड पर किसका अपचयन होता है जिसके लिए ई नोट का मान अधिक होता है। हम जानते हैं कि कॉपर के लिए ई नोट का मान धनात्मक होता है तथा हाइड्रोजन के लिए ई नोट का मान कितना है, वो शून्य है। अतः कॉपर का अपचयन कैथोड पर पहले होगा, सामान्यतः हाइड्रोजन से पहले होगा। इस कारण हमें कैथोड पर कॉपर धातु प्राप्त होती है। इन दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ने से पूर्व हमें ध्यान रखना है कि एक अभिक्रिया में 4 इलेक्ट्रॉन है तथा दूसरी अभिक्रिया में हमारे पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए कैथोड वाली अभिक्रिया को 2 से गुणा करके एनोड वाली अभिक्रिया में जोड़ करके पूर्ण अभिक्रिया प्राप्त की जाती है। इस अभिक्रिया के अनुसार कॉपर धातु कैथोड पर प्राप्त हुई है तथा ऑक्सीजन गैस हमें एनोड पर प्राप्त हुई है। कॉपर क्लोराइड के विलयन का विद्युत अपघटन। कॉपर क्लोराइड में हमारे पास में कॉपर आयन, क्लोराइड आयन, हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित होते हैं। जब इसका विद्युत अपघटन प्रारंभ करते हैं तो एनोड पर क्लोरीन हमें प्राप्त होती है, जबकि कैथोड पर हमें कॉपर धातु प्राप्त होती है। एनोड पर क्लोरीन क्यों प्राप्त हुई? हाइड्रोक्साइड आयन तथा क्लोराइड आयन में से क्लोराइड आयन के लिए ई नोट का मान कम होता है, इसलिए एनोड पर क्लोरीन का हमें प्राप्त होना यह दर्शाता है कि क्लोरीन के लिए ही ई नोट का मान कम है। जबकि कैथोड पर हमें कॉपर आयन क्या होता है, हमारा अपचयित हो जाता है, किसमें? कॉपर धातु में। इन दोनों को जोड़कर हम पूर्ण सेल अभिक्रिया इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन। अब हमें यहाँ एक विशेष स्थिति दे दी है, कॉपर इलेक्ट्रोड। अभी तक हमने जितने भी उदाहरणों पर चर्चा की थी वो सभी निष्क्रिय इलेक्ट्रोडों के साथ में थे। अब हमें यहाँ एक विशेष नाम दे दिया गया है, कॉपर इलेक्ट्रोड। जैसा कि हम जानते हैं कॉपर इलेक्ट्रोड एक सक्रिय इलेक्ट्रोड होता है, अतः यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में 4 तरह के आयन उपस्थित होते हैं, कॉपर आयन, सल्फेट आयन, हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्साइड आयन। जब भी हम सक्रिय इलेक्ट्रॉनों के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो सामान्यतः एनोड व कैथोड उसी धातु के बनाए जाते हैं। एनोड अशुद्ध कॉपर का बनाया जाता है, वहाँ पर क्या होगा, कॉपर है हमारा, वो ऑक्सीकृत होगा, किसमें? कॉपर आयन में। ये कॉपर आयन विलयन में चले जाते हैं। जैसे ही कॉपर आयन विलयन में पहुँचते हैं तो विलयन से कॉपर आयन कैथोड पर जाकर के अपचयित होकर के शुद्ध कॉपर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं का उपयोग हम धातुओं के शुद्धिकरण में करते हैं। अशुद्ध धातु का एनोड बनाया जाता है तथा शुद्ध धातु का कैथोड बनाया जाता है। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया से धीरे धीरे अशुद्ध धातु परमाणु एनोड से पृथक होकर के कैथोड पर जमने लगते हैं तथा अशुद्धियां एनोड के नीचे इकट्ठी हो जाती हैं। इस विधि से हमें अत्यधिक प्रतिशतता के साथ में शुद्ध धातु प्राप्त होती है। जलीय सिल्वर नाइट्रेट विलयन का विद्युत अपघटन किसके साथ हम करवा रहे हैं? विशेष परिस्थिति फिर आ गई है हमारे सामने, सिल्वर इलेक्ट्रोड। यह भी कैसा होता है हमारे पास में? सक्रिय इलेक्ट्रोड होता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा। हमारे पास 4 तरह के आयन उपस्थित हैं, सिल्वर आयन है, नाइट्रेट आयन है, हाइड्रोजन आयन है तथा हमारे पास कौन सा आयन है, चौथा, हाइड्रोक्साइड आयन है। एनोड पर क्या अभिक्रिया होती है? एनोड हमने अशुद्ध सिल्वर धातु का बनाया हुआ है, वहाँ पर सिल्वर ऑक्सीकृत हो जाता है सिल्वर आयनों में। कैथोड हमने शुद्ध सिल्वर धातु का बनाया हुआ है, वहाँ पर सिल्वर आयन अपचयित हो जाते हैं शुद्ध सिल्वर के रूप में। पूरे सेल में क्या अभिक्रिया हमें प्राप्त होती है कि हमारा अशुद्ध सिल्वर है वो शुद्ध सिल्वर में परिवर्तित हो जाता है। इस अभिक्रिया का उपयोग भी सिल्वर के शोधन में किया जाता है। जलीय सिल्वर नाइट्रेट विलयन का विद्युत अपघटन किस इलेक्ट्रोड के साथ हम लोग कर रहे हैं? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। जैसा कि हम जानते हैं कि प्लेटिनम, गोल्ड आदि इलेक्ट्रोड कैसे होते हैं? निष्क्रिय इलेक्ट्रोड होते हैं, अर्थात ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेंगे। इस स्थिति में क्या होगा, एनोड पर हाइड्रोक्साइड आयनों का ऑक्सीकरण होगा ऑक्सीजन के रूप में, वह ऑक्सीकृत हो जाते हैं तथा कैथोड पर हमारे पास क्या अभिक्रिया होती है, सिल्वर आयन अपचयित हो जाते हैं सिल्वर के रूप में।
पूरे सेल में क्या अभिक्रिया हो रही है, इससे पहले हम लोगों को क्या करना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को समान कर लेना है। एनोड अभिक्रिया में 4 इलेक्ट्रॉन है, जबकि कैथोड अभिक्रिया में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। अतः कैथोड अभिक्रिया को 4 से गुणा करके लिखा जाता है तथा पूर्ण सेल अभिक्रिया प्राप्त कर ली जाती है। इस अभिक्रिया के अनुसार एनोड पर ऑक्सीजन गैस मुक्त हुई है तथा कैथोड पर हमें सिल्वर धातु की प्राप्ति हुई है। सल्फ्यूरिक अम्ल के तनु विलयन का विद्युत अपघटन, यहाँ हमने किसी भी प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रोड नहीं दिया है, इसका अर्थ हमें क्या समझना है कि निष्क्रिय इलेक्ट्रोड के साथ हो रही है। सल्फ्यूरिक अम्ल के तनु विलयन में निम्न आयन उपस्थित होते हैं, हाइड्रोजन आयन, सल्फेट आयन तथा हाइड्रोक्साइड आयन, सिर्फ 3 प्रकार के आयन यहाँ उपस्थित हैं। एनोड पर हमारे पास क्या अभिक्रिया होगी, हमारा हाइड्रोक्साइड आयन ऑक्सीजन में ऑक्सीकृत हो जाएगा। हमने यहाँ 2 अभिक्रियाएं लिखी हैं, एक अभिक्रिया में क्या लिखा है हमने यहाँ पर कि हमारा सल्फेट आयन किस में चेंज हो रहा है, पर ऑक्सो डाई सल्फेट आयन में चेंज हो रहा है। ये सेकेंड अभिक्रिया सिर्फ तभी संभव है जब हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन कैसा हो, सांद्र हो। तो हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, अगर तनु विलयन है तो हमें ऊपर वाली अभिक्रिया लिखनी है, अगर यदि सांद्र विलयन है तो हमें ये नीचे वाली अभिक्रिया को लिखना होता है। इसी प्रकार कैथोड पर क्या होगा, वहाँ किसी प्रकार का कोई भी कंप्रेशन नहीं है, क्योंकि कैथोड पर जाने के लिए सिर्फ हाइड्रोजन आयन ही उपस्थित है। हाइड्रोजन आयनों का वहाँ पर अपचयन हो जाएगा हाइड्रोजन गैस में। पूरे सेल में क्या अभिक्रिया हुई है, उसे करने से पहले हमें क्या करना है कि कैथोड पर जो अभिक्रिया हो रही है वहाँ पर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, जबकि एनोड की अभिक्रिया के पास हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो हमें कैथोड की अभिक्रिया को 2 से गुणा करके उसमें जोड़ना है, जिससे हमें पूर्ण सेल अभिक्रिया प्राप्त हो जाती है। इस पूर्ण सेल अभिक्रिया के अनुसार हमें क्या प्राप्त हो रहा है, हाइड्रोजन गैस कैथोड पर तथा ऑक्सीजन गैस एनोड पर। आज हमने चर्चा करी कि फैराडे के विद्युत अपघटनी नियम जो 2 होते हैं, प्रथम नियम तथा द्वितीय नियम के नाम से जाने जाते हैं, कि इलेक्ट्रॉनों पर हमें कितनी मात्रा में विद्युत अपघटे जब अपघटित होता है तो प्राप्त होता है। इसी प्रकार हमने आज देखा कि विद्युत अपघटे में जब हम दृष्ट धारा प्रवाहित करते हैं तो हमें इलेक्ट्रॉनों पर भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ प्राप्त होते हैं, जो निर्भर करते हैं विद्युत अपघटे की प्रकृति पर तथा इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर। जैसे कि हमने देखा था कि हमारे पास में 2 तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं, जिन्हें हम सक्रिय इलेक्ट्रोड तथा निष्क्रिय इलेक्ट्रोड कहते हैं। दोनों ही इलेक्ट्रॉनों के साथ हमें भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ प्राप्त हो रहे हैं। इसी प्रकार यदि हम सांद्रता में भी परिवर्तन करते हैं तो हमारे प्राप्त होने वाले पदार्थ भिन्न हो सकते हैं, जो हमने सल्फ्यूरिक अम्ल के उदाहरण में देखा। इस पाठ के अगले बिंदुओं की चर्चा हम अगले भाग में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।